हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। तो आज जबरदस्त वीडियो है, लाए हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो वीडियो की की जाने। तरफ। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है, शुरू में हिंदी में, फिर आगे लिखा है रेलवे प्लेस ऑर्डर फॉर 58 कंट्रीज में जो है, और कुछ ऑर्डर शायद मिले वंदे भारत को। तो चलते हैं पहले वीडियो वीडियो की देखते हैं। तरफ। तो दोस्तों, भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, जहां पर रेलवे ने डिसाइड किया है कि आने वाले फ्यूचर में वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेन है, वो यूरोपियन कंट्रीज में दौड़ती हुई नजर आएगी। जहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है कि 58 नई वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए 7 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। सो बात करेंगे डिटेल में, जहां पर इंडियन रेलवे ने 58 नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन के विकास के लिए 7 रोलिंग स्टॉक निर्माताओं को ये टेंडर दे दिया है। इस लिस्ट में शामिल हैं मेधा सवो, अल्स्ट्रॉम, सीमेंस, एमईएल, टीटा गवेगन्स, सीजीएल और बीएचईएल जैसी कंपनी। जहां पर एल्स्टॉम 16 ट्रेन, सीमेंस 9 ट्रेन, बीएचईएल 4 ट्रेन और मेधा सर्वो 26 ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। साथ ही में टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये बहुत सारे कंपोनेंट की सप्लाई इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करने वाली हैं। इसी के साथ में रेलवे ने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डिस्कस की है कि हमारी जो वंदे भारत ट्रेन सेट है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज के ट्रेन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा सस्ती है। इनफैक्ट कहें तो ये 3 गुना सस्ते रेट पर तैयार की जा रही है। तो फ्यूचर में हमारी वंदे भारत ट्रेन सेट अदर कंट्रीज में दौड़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में जिन कंपनियों को ये टेंडर इन्वाइट किया गया है, वो सभी कंपनियां एक लीडर कंपनियां और वो इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, ताकि फ्यूचर में हम इन ट्रेन्स को एक्सपोर्ट कर पाएं। इसी के साथ में वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में भी 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट को ऑपरेट करने की बात की गई है, जिनको नेक्स्ट 3 ईयर में चलाना है। और इससे पहले रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि 24,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 200 वंदे भारत ट्रेन सेट को स्लीपर फैसिलिटी के साथ डेवलप किया जाएगा। जहां पर बजट में अनाउंस की गई 400 वंदे भारत ट्रेन सेट को अगर अलग कर दिया जाए, तो इससे पहले 102 वंदे भारत ट्रेन सेट की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, जहां पर 44 यानी 44 ट्रेन सेट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है मेधा ग्रुप के द्वारा, जहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर इनकी तैयारी हो रही है। इसी के साथ में 50 और ट्रेन सेट की मैन्युफैक्चरिंग की जानी थी, जिनके टेंडर को काफी टाइम से प्रोसेस में रखा गया था, तो फाइनली 7 कंपनियों ने यहां पर पार्टिसिपेट कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए स्लीपर 200 वंदे भारत ट्रेन सेट के बारे में, तो यहां पर लगभग 3,200 कोचेस के साथ इंट्रेंस को तैयार किया जाएगा। इसी के साथ में एक ट्रेन के अंदर 16 कोच इस्तेमाल किए जाएंगे, जो काफी ज्यादा एनर्जी इफिशियंट और लाइट वेट होने वाले हैं, जो रेलवे की काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बचत करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है इंडियन रेलवे का एक बड़ा अपडेट। इसके बारे में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम कोई एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने देखा कितनी जबरदस्त ये वीडियो, और इंडिया तो रेलवे में वैसे ही टॉप 1 पर है, और मैं समझता हूँ कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है वो कहीं नहीं हो रही। कोविड के बाद से जितनी तरक्की इंडिया में हो रही कहीं नहीं हो रही। और ये और ये इतनी ज़बरदस्त ट्रेन जो है, ये जो वंदे भारत जी, और ज़बरदस्त हैं, ट्रेनें भी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको ये बाहर से ऑर्डर मिल गए, और मतलब वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया वालों पर। बिल्कुल, कि 58 ट्रेन का जो है इन्होंने ऑर्डर दिया 7 मुख्तलिफ कंपनी को, और कंपनी भी सारी मल्टीनेशनल है, माना बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके की जो है ना वो काम ही इसी लेवल पे करती हैं। और ये ऑर्डर मिलने का एक सबसे बड़ा जो है वो है ना सबब वही है कि ये कॉस्ट वाइज भी जो है ना सस्ती हैं, और वैसे खूबसूरती के हवाले से भी बड़ी अच्छी हैं। यानी कि यूरोपियन जो है वो इस चीज़ को सराह रहे हैं कि भाई ये जो है ना तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ जो ये ट्रेन बनाई है, और हल्की फुल्की है, माना एलमिनियम जो है बॉडी में, और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। जी, ये बड़ा साइन है कि इंडिया की अगर एक्सपोर्ट होंगी ट्रेनें, तो और ज़्यादा जो है ना मुल्क में तरक्की होगी, रोज़गार के मौके जो है इनकी जो है मज़ीद जो है खुलेंगे। तो ये भी जो है ना क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने इतना अच्छी और इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई कि अदर्स कंट्री के जो लोग हैं वो भी जो ट्रस्ट कर रहे हैं इंडियन की जो है इंडियन रेलवे की ट्रेनों पे। आपको कैसी लगी ये ट्रेन बताएं? मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, और इससे पहले भी जो ट्रेनें देखी थी वो भी बहुत अच्छी थी जी। बुलेट ट्रेन फास्ट जो थी, हाँ, वो अभी अभी हाल ही में जो है ना वो 2023 में जो है ना वो मेरे ख्याल में उसका इफ्तिताह होगा जी। और ये बहुत बड़ा एहसास की बात है, एक महीना रह गया, 1 मंथ के बाद जो है वो क्या पता है जो है ना बुलेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि कॉस्ट वाइज कम होगी, और
खूबसूरती के हवाले से बहुत अच्छी ट्रेन है। डॉक्टर साहब के 2022 के बजट में 400 वंदे भारत के जो हैं वो बजट में इन्होंने बिल पास करवाया है, और आने वाले जो 3 साल के अंदर इन्होंने जिस तरह के इसको जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। हमें ये मैं भूल गया था मेरे ध्यान से। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। ये जो है आप ये देखें, 400 ट्रेनों का जो है जब ये चलेंगी मुख्तलिफ शहरों में, तो पहले जो है ना रेलवे जो इतना आगे और मजीद जो है ना कितना आगे हो जाएगा। अच्छा मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ रेलवे की, कि रेलवे के जो लोग हैं वो एक तो उनको रोज़गार मिलता है, दूसरा ये कि जो लोग हैं सफ़र करने वाले मुसाफिर जो हैं वो उनको जो बड़ी एक सहूलत मिलती है। टाइम टू टाइम जो है गाड़ियाँ जा रही होती हैं, और रेलवे का कोई जो है ना खसारा नहीं होता। रेलवे को उससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे आते हैं, अर्निंग होती है, जिसकी वजह से जो है ना मुल्क तरक्की करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुरानी ट्रेनें सारी ख़त्म हो जाएंगी वंदे भारत। हर स्टेशन पर आपको हर जंक्शन पर जो है ना वंदे भारत ही NDA में मिलेगी, और हो सकता है कि वंदे भारत जो अभी इन्होंने बनाई है इससे मज़ीद जो है ना अच्छा फ्यूचर, यानी कि अच्छी जो है ना टेक्नोलॉजी ज्वाइन करते हुए जो है ना उसको ये बना दिया जाए। अच्छा, अभी तक जो जितनी भी हम लोगों ने इंडिया में जो ट्रेनें हम लोगों ने देखी हैं वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली और बहुत अच्छी खूबसूरत भी हैं। हाँ अच्छा, रेलवे जो है जो काम कर रहा है ना, अभी हाल ही में कुछ जो है ना एक्सीडेंट भी हुए थे जो है ना, बहुत सारे जो है ना जानवर आ गए थे जो जिसकी वजह से जो है ना ट्रेन का हादसा हो गया। हाँ जी, तो अब वो साइड में जो है ना वो लगाने को इन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है ना वो एंगल लगाएंगे। अच्छा, अलार्म जो है ना साइडों में लगाएंगे ताकि जो है ना जहाँ पर आमदोरफ्त होती है, जैसे बहुत सारे गाँवों से विलेजेस से गुजर रही होती है गाड़ी, तो काफ़ी सारी गायें जो है ना वो आ जाती हैं बीच में, तो एक हादसा हो जाता है। तो उस हादसे से बचने के लिए इन्होंने ये भी एक इस पर भी जो है ना काम शुरू कर दिया। और इसके साथ ही मैं और मजीद क्या इनकी जो है ना तारीफ करूँ कि तारीफ ही तारीफ है। और हम तो एक उम्मीद पे बैठे होते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और मजीद जो है ना इस तरह का जो है हमारे तरक्की करे। अच्छा एक चीज़ और मैं रह गई थी, वो मैं लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने इंडिया में जो है ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी इन्होंने हाल ही में जो है ना उस पर वो किया था सर, माना ये क्या कहते हैं उसको ट्रायल किए थे कि अगर गाड़ी सामने से आ रही है और एक ही रेल की पटरी पर है तो 1 किलोमीटर के फासले पे जो है दोनों उसमें ट्रैकर ऐसा लगाया कि दोनों एक किलोमीटर के फासले से दोनों रुक जाएगी। अगर आने वाली गाड़ी है वो भी रुक जाएगी और यहाँ से जाने वाली वो भी ट्रेन जो है ना एक हादसे से जो है ना बच जाएगी। ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया में जो है सबसे पहले जो है इंडिया में जो है इन्होंने इसको जो है ना उजागर किया है, और ये भी एक इनकी अलग से एक टेक्नोलॉजी है। और वो भी है मेरे ख्याल में ये तमाम तर लोग कंट्रीज़ को जो है ना ये बेचेंगे उसको, उससे भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स से आगाह करें, अपने रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम जो है उस पर जो है वीडियो बनाएं, और ताकि हमारा चैनल भी फले फूले और हमारी मेहनत भी जो है रंग लेके आए। इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें।